प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको संयुक्त फलन के बारे में जानकारी देंगे, जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट है। संयुक्त फलन, यदि यू हमारा कोई भी फलन दिया गया है, एफ एक्स वाई का फलन है, एक्स और वाई इसके फलन है, t के फलन है, x इक्वल टू फाइव टी तथा y इक्वल टू साइन टी, तो u को एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहते हैं। यानी u फलन है एफ एक्स वाई का, x और y फलन है हमारे x इक्वल टू फाइव टी y इक्वल टू साइन टी, तो u का t के साथ ये हमारा संयुक्त फलन कहता है। इसी प्रकार यदि x फलन है t1 t2 का तथा y फलन है t1 t2 का, तो हमारा u t1 तथा t2 के सापेक्ष संयुक्त फलन कहलाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि u फलन है एफ एक्स वाई का, x फलन है फाइव t1 t2, y फलन है साई T1, T2, तो यहां से हमारा ये T1 के सापेक्ष और ये T2 के सापेक्ष संयुक्त फलन कहलाता है। संयुक्त फलन के पश्चात आता है अवकल गुणांक, संपूर्ण अवकल गुणांक, संपूर्ण अवकल गुणांक। यदि u बराबर है fx by, यदि u fx by का फलन हो तथा x और y किसके फलन हो, t के फलन हो, तो du upon dt हमारा संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। इस कंडीशन में यदि u हमारा fx y का फलन है, x t के फलन है, x और y किसके फलन है, अन्य चर t के फलन है, तो du upon dt क्या कहलाएगा, संपूर्ण अवकल गुणांक। और इस स्थिति में यहां पर देखते हैं, यहां पर डेल यू अपॉन डेल टी वन तथा डेल यू अपॉन डेल टी टू संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाएंगे, और इसे निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, डेल डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस की डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी टी। डी यू अपॉन डी टी का मान होगा। इसी प्रकार यदि हमारे दो स्वतंत्र चर हों टी वन और टी टू, तो उस स्थिति में हमारा डेल यू वन डेल यू अपॉन डेल टी वन तथा डेल यू अपॉन डेल टी टू का मान क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, इस सूत्र जो होगा ये है हमारा डेल यू अपॉन डेल टी वन
बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल टी वन प्लस के डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल टी वाई तथा डेल यू अपॉन डेल टी टू का मान डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल टी टू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल टी टू। ये नंबर एक, ये नंबर दो और ये नंबर तीन। इस प्रकार हमारा यदि u x y का फलन है, x y t के फलन है, तो संपूर्ण अवकल गुणांक d u अपॉन d t, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। यदि u x y का फलन है और x और y t1 और t2 के फलन है, तो डेल u अपॉन डेल t1, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र चर दो हो गए t1 और t2, तो यहाँ भी डेल आएगा, आंशिक अवकलन होगा या संपूर्ण अवकलन हो रहा है हमारा, या आंशिक अवकलन होगा डेल यू अपॉन डेल टी वन, ये फॉर्मूला आएगा। इसी प्रकार टी टू के लिए ये फॉर्मूला आएगा। इसके पश्चात आता है हमारा अस्पष्ट फलनों का आंशिक अवकलज या अस्पष्ट फलनों का अवकलज। आंशिक अवकलज की सहायता से हम अस्पष्ट फलनों का अवकलज निकालेंगे। सबसे पहले तो अस्पष्ट फलन क्या होते हैं, अस्पष्ट इसका मतलब स्पष्ट भी होंगे, तो एक स्पष्ट फलन होते हैं और एक अस्पष्ट फलन होते हैं। स्पष्ट फलन जिन फलनों में एक्स और वाई को सेपरेट किया जा सकता हो, यानी एक्स राइट हैंड साइड में सारे एक्स के पद राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल वाई का पद ही होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन स्पष्ट फलन है। परंतु हम करना चाह रहे हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलज। अस्पष्ट फलन जिन फलनों में x और y को सेपरेट नहीं किया जा सकता हो, अलग अलग नहीं किया जा सकता हो, इस प्रकार के फलन हमारे अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। इसके पश्चात आता है अस्पष्ट फलनों का अवकलज। अस्पष्ट फलनों का अवकलज करने के लिए हमें आंशिक अवकलज की सहायता से सहायता लेंगे, और इसकी सहायता से ही हम इसका डी डी ए अपॉन डी एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स और वाई का फलन है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे, लेकिन किस इसकी सहायता से, आंशिक अवकलज की सहायता से। इससे पहले हम डायरेक्ट कर रहे थे इसको, आंसर वही आएगा, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस के
डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई के बराबर होता है। ये इसका प्रथम अवकलज अस्पष्ट फलन है। जो भी अस्पष्ट फलन दिया गया होगा उसे एफ एक्स वाई का फलन मान लेंगे। पहले एफ का जो फलन माना है उसको एक्स के साथ ये चांस से अवकलन करेंगे, वाई को कॉन्स्टेंट मानेंगे, पुनः वाई के साथ अवकलन करेंगे, दोनों के मान यहां रखने पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाता है। इसी प्रकार द्वितीय अवकलन का हमारा सूत्र है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए। नीचे है क्यूब का क्यूब, क्यूब स्क्वायर का माइनस टू डी क्यू एस माइनस के टू पी क्यू एस प्लस ई स्क्वायर टी। ये इसका फॉर्मूला है जहां पी पी बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्यू बराबर डेल एफ अपॉन डेल वाई। आर बराबर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। आर एस एस बराबर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई तथा टी बराबर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। कोई भी हमारा फलन दिया गया है एफ एक्स वाई तो उसका द्वितीय अवकलज निकालेंगे। तो यहां सीधा फॉर्मूले में रख सकते हैं माइनस नीचे क्यू का क्यू है क्यू स्क्वायर आर माइनस के टू पी क्यू एस प्लस के पी स्क्वायर टी। पी पी का मान होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्यू का मान डेल एफ अपॉन डेल वाई, आर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और एस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई तथा पी का मान डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसकी सहायता से हम एग्जाम्पल वगैरह कर सकते हैं। प्रथम अवकलज के लिए है और द्वितीय अवकलज के लिए भी यही है और संपूर्ण अवकल के लिए जो पहले फॉर्मूले थे तीन फॉर्मूले, वैसे तो एक ही फॉर्मूला है लेकिन तीन फॉर्मूले मान लीजिए जो समीकरण एक दो तीन दी थी, उसके बाद ये चार नंबर और ये पांच नंबर, ये पांच हमारे सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।